Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज। मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना काल में जो गांव देहात के अंदर जो ग्राम प्रधान होते हैं वो किस तरह से अपने गांव के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं ग्राम प्रधान के, तो उसको चलते हुए यहाँ पर जो कुछ गाँव में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं आदर्श गाँव पलड़ी में। और आपको बता दें, यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है हमारे साथ श्रीपाल जी हैं, सिंह जी, तो हम इनसे जानेंगे इन्होंने अपने गांव के लोगों को कैसे जागरूक किया, कैसे इस जो वैश्विक महामारी फैल रही है इससे कैसे अपने गांव के लोगों को बचा के चल रहे हैं, किस तरह से उनको मास्क, सैनिटाइज़र और पूरा गांव सैनिटाइज कराना, दूरियां लोगों के बीच बनवाना, भीड़ ना लग जमा हो, इस तरह की जो एहतियात हैं वो कैसे ग्राम प्रधान जो हैं अपने गाँव के लोगों से यहाँ पर मनवा रहे हैं, तो वही हम इनसे जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार। जी प्रधान जी, पहला सवाल मेरा यही है, लगभग कितनी आबादी आपके गांव में है? मेरे गांव की 6-7 हज़ार की आबादी है। यानी कि, और वोटिंग की बात करें, वोटिंग 2803 का पोलिंग है, यानी कि 2800 लगभग वोट। तो थोड़ा बड़ा गांव है, इतना छोटा भी नहीं है ना ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये बताइए, आपने गाँव के अंदर मास्क, सैनिटाइजर वगैरह गाँव के लोगों को वितरण किए? हाँ, सबसे पहले हमने मास्क और सैनिटाइजर ही वितरण किया था, फिर गांव को 2-3 बार सैनिटाइज करा लिया, और समय समय पर सभी को जागरूक भी करते हैं इसके बारे में, भाई कैसे इसके दूरी पर रहना है, कैसे इससे बचाव करने हैं, झुंड में नहीं रहना है, एक दूर से दूरी बनाए रखना है, तो ये समय समय पर देखते रहते हैं। जैसे आप देखें तो ये वैश्विक महामारी फैल रही है और शहर हो, देहात हो, पूरा देश हो, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, तो इसके चलते जो लोगों को जागरूक लगातार आप कर रहे हैं, तो आपके गांव में कोई पॉजिटिव केस मिला है? नहीं, मेरे यहाँ फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं मिला अब तक, और शायद आगे भी नाम जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम सावधानी बरत रहे हैं, उस हिसाब से मुश्किल ही है। चलो, ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए भी, शुभकामना हमारी तरफ से। तो ये बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया है कि अपने गांव के लोगों को बचा के चलना है, कि अगर गांव के लोगों में ये कोरोना फैल गया तो फिर प्रधान का चुनाव भी बेकार है, प्रधान का पद भी बेकार है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है, समय समय पर सबको जागरूक करना और कैंप लगवा कर दवाई वगैरह वितरण करना, और हर उसमें जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना। मेरे यहाँ से 10 दिन से बराबर सफाई चल रही है, खुद के मजदूर लगा के मैं सफाई करा रहा हूँ। हमने देखा तो राजीव आपसे बहुत आपके साथ है, हम भी घूम गए, हमने लोगों से भी जाना, तो कुछ लोग जो है लगभग यहाँ पर 60-75% लोग आपके यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग आपके यहाँ पर काम की लागत भी कर रहे हैं। ये तो देखो ये तो हर जगह चलती है, बुराई भी करना, ये भी करना, क्योंकि जो एंटी पार्टी भी होती है, विपक्ष होता है, उनको अपने चाल तो राजनीति तो करनी होती है। हमने अपने गांव का काम तकरीबन 90% खत्म कर चुके हैं, तो 90% पूरे गांव में इंटरलॉक कर चुके, तालाबों की भी सफाई करा रहे हैं, और अब भी कार्य चल रहा है पूर्ण रूप से। घर गैल तो हमने लाइटों के भी प्रबंध किया है, दूसरी बात हमने घर गैल पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, टंकी वगैरह भी है, लेकिन हमने पानी की सुविधा इतनी कर दी है कि जैसे हमने अभी रिबोर कराए, पिछले साल कराए थे, क्या नाम, 10 रिबोर पिछले साल कराए थे, 16 रिबोर अब की बार हुए। प्रधान जी, एक मेरा आपसे बड़ा सवाल है कि ये सांसद जी ने गोद ले रखा गाँव, तो इस बारे में आप ये बताइए कि और गाँव के मुकाबले यहाँ पर कुछ काम भी ज़्यादा हुए हैं? हाँ, मेरे यहाँ से क्या सांसद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, कार्य में कहाँ की और जाम, हमें कोई दिक्कत आती है तो सांसद जी भी हमें अग्रणी रहते हैं, कि कोई भी कार्य हमने किसी भी टाइम कह दिया तो उसकी हाँ तो हो ही जाती है, फिर भी वे कहीं से भी कैसे भी कोई जुगाड़ करके काम हो जाते हैं हमारे। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है, हमारे गांव में सबसे पहले वे बैंक लाए थे, बैंक के बगैर इतनी दुर्दशा थी इस गांव की, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, समय पर पेमेंट नहीं मिलता, पेमेंट मिल भी गया तो रास्ते में लूट लिया जाता था।
प्रधान जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। वैसे तो गांव आपने चमका दिया है, लगभग रोशन भी किया है, लाइटें भी लगी हैं, शौचालय घर घर यहाँ पर बने हैं, रास्ते भी हमने बहुत अच्छे कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ रास्ते यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। तो अब मेरा आपसे ये बड़ा सवाल है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार आपकी क्या तैयारियाँ हैं, दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे या किस तरह से क्या सोच रहे हैं? देखो, हमें पहली बात तो 70% के 80% ही जनता हमारी जो है गाँव की समर्थन में फुल के भाई पर्चा लाना है। हमारी इच्छा नहीं है कि हम पर्चा लाए, लेकिन गांव की जनता को देखते हुए और अपने कुछ कार्य हैं हमें कम से हाँ इस ऐसे कार्य हमारे रह जाएंगे जो नहीं हो पाएंगे, फिर इस वजह से हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो यानी कि जनता का पूर्ण समर्थन भी हाँ जी। प्रधान श्री पाल सिंह, आदर्श ग्राम पल्ली बागपत, मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ अपनी जनता से, सभी जनता से, अपनी नहीं हर किसी को यही आग्रह करता हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए दूरी बनाए कर रखें, समय समय पर हाथ साफ करें, अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें और झुंड में ना रहे। महाशिवरात्रि की और सभी को शुभकामनाएं।